जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सच, आज के दिन हमने भारतीय सिनेमा के एक ऐसे महानायक को खो दिया कि उम्र भर चाहे पुकारा करें उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लेकिन ये महानायक सुपरस्टार राजेश खन्ना जी सदा ही अपने चाहने वालों के दिलों में अमर रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी की तरफ से श्रद्धा सुमन। एक सफर है सुहाना। 60 के दशक में जब हिंदी सिनेमा पर कई बड़े और बेहतरीन अभिनेता छाए हुए थे, एक तरफ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार तो दूसरी तरफ लाजवाब राज कपूर, जुबली कुमार राजेंद्र कुमार का स्क्रीन करिश्मा तो दूसरी ओर देवानंद सदाबहार, ही मैन धर्मेंद्र, जंपिंग जैक जितेंद्र, देशभक्ति की छवि लिए मनोज कुमार। ऐसे में लगभग मिड 60s में एंट्री होती है एक ऐसे स्टार की जिसकी एक्टिंग, जिसका मैनरिज्म, जिसकी फिल्मों के गाने सब ऑडियंस पर ऐसा जादू करते हैं कि उसको हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार घोषित किया जाता है। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या। जतिन खन्ना, जिनको लोग राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं और जिनको फिल्म वर्ल्ड में काका कहकर पुकारते थे। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। एक्टिंग का शौक तो इनको पहले से ही था, पर फिल्मों में इनकी एंट्री तब हुई जब इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर हुए कॉम्पिटिशन में भाग लिया और लगभग 10,000 पार्टिसिपेंट्स में से जो कुछ ही चुने गए उनमें ये भी एक थे। फिल्म आखिरी खत से फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले राजेश खन्ना शुरू शुरू में जो फिल्में की उनसे उनको एकदम से बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, पर वो एज एन एक्टर अपने आप को एस्टैब्लिश करने में सफल हुए। सुना है कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं। वैसे तो मुझे राजा महाराजाओं की लड़कियां बिल्कुल पसंद हैं। फिर आई वो फिल्म जिसने एक तरह से कहा जाए तो बॉलीवुड का रुख ही बदला और जन्म दिया हिंदी सिनेमा के रोमांटिक किंग को। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, जिसकी इमेज को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। कैमरा नहीं है मेरे पास। फिल्म थी शक्ति सामंत की आराधना। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। जिसमें ये डबल रोल में दिखे और जिसके गाने बेहद हिट हुए। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसे तेरा। इनकी हिट हो रही मूवीज का दौर चला, हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट, ब्लॉकबस्टर, काका का जादू सब पर सर चढ़कर बोलने लगा। वे आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। ये लो फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है। हर तरफ इनकी ही फिल्में, इनके ही फिल्मी गाने, इनकी ही बातें। इतना गुमान कर व
लोग इनकी एक्टिंग की कॉपी करते। मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन पकड़ा गया और मंगल के दिन ही फांसी की सजा हुई, इसलिए मंगल की मौत भी मंगलवार के दिन ही होगी। लेकिन आज आज मंगल नहीं सोमवार है। जिस तरह मुकेश साहब को राज कपूर की वॉइस कहा जाता था, ठीक वैसे ही किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज बने और कई सारे हिट गाने दिए। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला। लोगों को राजेश खन्ना हर किरदार में अच्छे लगे, चाहे वो खामोशी और सफर जैसी फिल्मों का वो सीरियस या सेंसिटिव कैरेक्टर हो, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, या बावर्ची और आनंद जैसी मूवीज का वो हंसमुख मनमोहक पात्र। हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, ज्यादा प्यार देके क्या हम उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। हालांकि काका रोमांटिक हीरो के अलावा भी कई रोल्स में दिखे, जैसे अवतार में वो खुद्दार बूढ़ा बाप। एक मामूली अपाहिज मैकेनिक को भी नहीं देख सकते क्योंकि वो तुम्हारा बाप है और वो बाप तुम्हारी इज्जत की चादर पे पद्मा तपा है। या फिर अमृत का वो संजीदा इंसान। हम तो खुद नहीं जानते कि हमारा रिश्ता क्या है, हम तो उस टूटी हुई कश्ती के दो मुसाफिर हैं जो जिंदगी की मझधार में दम तोड़ रही है। राजेश खन्ना न सिर्फ एक्टर प्रोड्यूसर की भूमिका ही निभाते रहे बल्कि कुछ समय तक देश की राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। गुरुजी ने एक बात सिखाई थी, कहा था जिंदगी आनंद है और आनंद ज्ञान से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान बांटो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बाबू मशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पड़ा उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार, उस जैसा फिल्मी पर्दे का रोमांटिक जादूगर फिर कोई और आए, ऐसा फिलहाल तो मुश्किल ही लगता है। बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना।